हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अतुल्या कोचिंग जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये गवर्नमेंट ऑफ आसाम एलिमेंट्री एजुकेशन डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यहाँ काफ़ी कुछ वैकेंसी आया हुआ है डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए उसके डिटेल्स के लिए मैं आपको ले चलता हूँ उस पेज पर लेकिन उसके पहले आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे इस वेबसाइट होम पेज तक कैसे पहुँचेंगे पहले उसको देख लेते हैं देखिए ये है होम पेज वेबसाइट का जहाँ से हम आगे प्रोसीड करेंगे और इसके लिए जो आपको वेबसाइट एड्रेस है ये है ट्रिपल डब्ल्यू डॉट डी डबल ई डॉट आसाम डॉट गोव डॉट इन ये होम पेज है और यहाँ पर आते ही और इस पेज पर हम जैसे पहुँच जाते हैं तो पेज पर पहुँचने के बाद क्या करना है थोड़ा सा नीचे आइए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हाउ डू आई और इसके नीचे देख लीजिए आप रिक्रूटमेंट ऑफ रेगुलर टीचर इस यहाँ पर लिखा हुआ है इसको क्लिक कीजिए क्लिक करते हैं आपका दूसरा पेज ओपन होगा देखिए यहाँ पर जो एडवर्टी ये पहला ऑप्शन है एडवर्टीजमेंट ए फॉर रेगुलर टीचर्स ऑफ एल पी और यू पी एल पी मीन्स हुआ लोअर प्राइमरी यू पी मीन्स अपर प्राइमरी स्कूल टू थाउजेंड ट्वेंटी इसके सामने देखिए यहाँ पर पी डी एफ यहाँ पर है इसको क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद जो पेज ओपन होगा ये कंप्लीट डिटेल्स हमें देगा कि क्या करना है कैसे करना है तो चलिए इसको देख लेते हैं इस पेज को क्या कुछ इसमें है ये देख लीजिए आप एडवर्टीजमेंट ए विद अ व्यू टू सपोर्ट स्ट्रेंथन एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन द स्टेट ऑफ आसाम इन कंप्लायंस विद द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एंड इन एंड इन इन परसुएंस ऑफ गवर्नमेंट अप्रूवल वाइड नंबर सो एंड सो एप्लीकेशंस आर हेयर बाई इन्वाइटेड फ्रॉम द परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ आसाम क्वालिफाइड इन आसाम टी टी कंडक्टेड बाई एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट आसाम फॉर फीलिंग अप ऑफ थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर्टी वन वैकेंसीज ऑफ आसाम वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट टीचर ऑफ लोअर प्राइमरी स्कूल एंड असिस्टेंट टीचर साइंस टीचर आसमिस लैंग्वेज टीचर एंड मणिपुरी लैंग्वेज टीचर ऑफ यूपी स्कूल दैट इज अपर प्राइमरी स्कूल अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ठीक है तो यहाँ देखिए क्या करना है नंबर ऑफ वैकेंसीज मे वेरी सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द पोस्ट बेस्ट रोस्टर फ्रॉम द डब्लू एंड बी डिपार्टमेंट पर्सनल डिपार्टमेंट एंड सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ़ द वैकेंट पोस्ट फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड मतलब जो कुछ भी अनाउंसमेंट हुआ है तीन हजार का जो वैकेंसी है इसमें चेंजिंग भी हो सकता है यानी कि पोस्ट को बढ़ाया जा सकता है या फिर घटाया भी जा सकता है उसके बाद द एक्सपायरिंग कैंडिडेट मस्ट बी रेडी टू सर्व इन their रिस्पेक्टिव प्लेसेज ऑफ पोस्टिंग इन टर्म्स ऑफ चॉइस ऑफ their डिस्ट्रिक्ट आपका क्या होता है अपॉइंटमेंट जो होना है जो भी डिस्ट्रिक्ट आप चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका ये होगा और उस डिस्ट्रिक्ट से ही आपको सर्विस देना क्राइटेरिया आप देख सकते हैं द लैंग्वेज वन ऑफ द आसाम टीचर एजिबिलिटी टेस्ट दैट इज ए टी ई टी ऑफ द कैंडिडेट सेल मैच द मीडियम ऑफ द स्कूल वेयर इन द कैंडिडेट वीच टू अप्लाई एज फॉर एग्जाम्पल इफ ए कैंडिडेट विशेज टू अप्लाई इन एसम एसमीज मीडियम स्कूल द कैंडिडेट मस्ट हैव एसमीज एज लैंग्वेज वन इन द आसाम टेट लाइकवाइज फॉर बोडो गारो बेंगाली मनीपुरी हिंदी हम आर एट्सेट्रा लैंग्वेज स्कूल द कैंडिडेट मस्ट हैव बोडो गारो बेंगाली मनीपुरी हिंदी एच एम आर एट्सेट्रा एज लैंग्वेज वन इन देयर आसाम टैट कंडक्टेड बाई एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट आसाम मतलब कि आपका जो लैंग्वेज जो आपने आसाम टैट पास किया है तो उसमें आपका लैंगवेज वन जो है वो आसमिज होना चाहिए आसमिज और या फिर यहाँ देख कंडेट मस्ट है यहाँ पर यह बोडो या फिर गारो इस तरह से लैंग्वेज वन में होना चाहिए आपको नंबर टू द क्राइटेरिया वन विल कम इन फोर्स इन केस ऑफ असिस्टेंट टीचर ऑफ एल पी स्कूल एंड असिस्टेंट टीचर साइंस टीचर ऑफ यूपी दैट इज अपर प्राइवेट स्कूल द क्राइटेरिया वन विल नॉट कम इन टू फोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एसमीज लैंग्वेज टीचर एंड मणिपुरी लैंग्वेज टीचर ऑफ़ यूपी स्कूल द मेरिट लिस्ट विल बी सेपरेट फॉर इच डिस्ट्रिक्ट एंड कैटेगरी द कैंडिडेट मस्ट नॉट बी लेस देन एटीन यानी कि आपका एज अट्ठारह से चालीस साल के बीच में होना चाहिए और उसके बाद कैटेगरी वाइज इसमें एज में छूट भी है फोर्टी टू ईयर्स है फोर्टी थ्री ईयर्स है फोर्टी फाइव ईयर्स है फिफ्टी ईयर्स है और सिक्स नंबर देर विल बी रिजर्वेशन रिलैक्सेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन वाइड सेवन द एलिजिबल कैंडिडेट सेल अप्लाई ऑनलाइन इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डी डब्लैट इज ट्रिपल डब्ल्यू डॉट डी डब्ल्यू आसाम डॉट डॉट इन फ्रॉम मिड नाइट ऑफ ट्वेल्थ सेप्टेंबर टू मिड नाइट ऑफ ट्वेंटी सिक्स सेप्टेंबर यानी कि बारह से लेकर के छब्बीस सेप्टेंबर के बीच में आपको ये अप्लाई करना है यानी कि लास्ट डेट आपका है छब्बीस सेप्टेंबर एड्रेस आपका जो वेबसाइट एड्रेस है जो हमने बताया आपको ये यही है वेबसाइट एड्रेस इसके थ्रू ही आपको जाना है वहाँ पर ठीक है अप्लाई ऑनलाइन करना है आपको ये उसके बाद यहाँ से ये यह पॉइंट जो भी है सारा डिटेल्स देख लेना यहाँ से और उसके बाद मैं आपको बिल्कुल मेन पॉइंट पर ले चलता हूँ ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कि इसके लिए क्या कुछ करना हमारा हमारे क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए पहले तो देखिए थर्टी नंबर दिया रहा है द कैंडिडेट कैन अप्लाई इन वन पोस्ट इन वन डिस्ट्रिक्ट मतलब कि यदि किसी एक डिस्ट्रिक्ट से एक ही पोस्ट के लिए भर सकते हैं आप यदि आप मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट इस्तेमाल करना चाहते तो कर सकते लेकिन आपको एक डिस्ट्रिक्ट से एक ही करना है नॉट फॉलोइंग दिस क्राइटेरियन विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर फोर्थ विन मतलब जैसे यदि ऐसे आप नहीं करते तो आपका कैंसिलेशन जो कैंडिडेचर है कैंसिल हो सकता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर लोअर प्राइमरी स्कूल लोअर प्राइमरी स्कूल में अपॉइंटमेंट के लिए क्या होना चाहिए आप देख सकते हैं असिस्टेंट टीचर फॉर लोअर प्राइमरी स्कूल सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स एंड टू ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट फिफ्टी फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स एंड टू ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स एंड फोर ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बी एल एड या फिर सीनियर सेकेंड्री विथ ऐटलीस्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स एंड टू ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन और ये अभी तक या इसमें से कोई एक चले चाहिए और दूसरा पास इन आसाम टेट फॉर एल पी एस कंडक्टेड बाई एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट और आपका ये इसमें ये टी टी पास होना चाहिए एल पी एस के लिए अब यहाँ पर पे बैंड देख सकते हैं यहाँ पर स्केल ऑफ पे जो है पेमेंट टू रुपीज़ फ़ोर्टीन थाउजेंड टू सिक्सटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड बहुत अच्छा स्केल है बहुत अच्छा सैलरी मिलने वाला है इसमें और सबसे बड़ी बड़ी बात क्या रेगुलर है ये कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट जो है इसमें असिस्टेंट टीचर अपर प्राइमरी स्कूल के लिए क्या चाहिए ग्रेजुएट फ्रॉम यू जी सी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड टू ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और बी एड और डी एड और बी एड एंड पासड इन आसाम टेट फॉर यू पी एस कंडक्टेड बाई एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट आसाम उसके बाद साइंस टीचर के लिए क्या होना चाहिए अपर प्राइमरी स्कूल के लिए बी एस सी फ्रॉम यू जी सी रिकोग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड टू ईर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और बी एड और डी एड उसके बाद तीसरा आसामीज लैंग्वेज के लिए क्या चाहिए ग्रेजुएट फ्रॉम यू जी सी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी हैविंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड टू ईर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और बी एड और डी एड उसके बाद चौथा नंबर मणिपुरी लैंग्वेज दैट इज टीचर अपर प्राइमरी स्कूल ग्रेजुएट फ्रॉम द यू जी सी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी हैविंग मणिपुरी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड टू ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशंस और बी एड और डी एल एड तो ये देखिए इसके लिए क्वालिफिकेशन है डिफरेंट पोस्ट के लिए और इसके लिए आपका जो स्केल जो सैलरी होगा आप यहाँ से देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा सैलरी है उसके बाद सिक्सटीन नंबर में बता रहा है द कैंडिडेट हु हैज कंप्लीटेड एटिल 18 मंथ्स डीएलएड कोर्स फ्रॉम द एन विल बी ट्रीटेड एट पार एंड इक्वली विद अदर कैंडिडेट्स हु हैव कम्प्लीटेड द टू ईयर कोर्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस मतलब क्या हुआ जिन्होंने दो साल के लिए कोर्स किया हुआ है ये एलिमेंट्री एजुकेशन का और जिन्होंने 18 महीने के लिए किया हुआ है डी का कोर्स जो कि एन से किया हुआ है तो दोनों का सेम ट्रीट किया जाएगा दोनों के लिए उसके बाद सेवेंटी नंबर बताता रही द कैंडिडेट्स हैविंग क्वालिफाइड इन एल पी एस एंड ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन दैट बी एड कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ रेगुलर टीचर इन एल पी स्कूल बट द पर्सन सो अपॉइंटेड एज ए रेगुलर टीचर सेल्फ सिक्स मंथ ब्रिज कोर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन देखो यहां पर क्या कहता है द कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड इन आसाम टेट फॉर एल पी एस एंड ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन दैट इज बी एड कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट बट उनको क्या होगा कि सिक्स मंथ का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा ठीक है रेगुलर टीचर इन एल पी स्कूल बट द पर्सन शो अपॉइंटेड एज ए रेगुलर टीचर सेल्फ मैंडेटरीली अंडर गो ए सिक्स मंथ ब्रिज कोर्स इन एलमेंट एजुकेशन रिकोगनाइज बाय सी टी विद इन टू ईयर्स ऑफ सच अपॉइंटमेंट एज रेगुलर टीचर मतलब जिस दिन से आपका अपॉइंटमेंट होगा उस तब से लेकर के दो साल के अंदर अंदर्गत आपको ये ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा सिक्स मंथ का एट्टीन देर विल बी रिजर्वेशन फॉर राइट इसको भी देख लेना आप इसको भी पढ़ लेना अब उसमें देख लो क्या कुछ है क्या कुछ भेजना है आपको ये सब कुछ आप अच्छी तरह से पढ़ लाना डिक्लेरेशन वगैरह ठीक है आप सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है यहाँ से आप देख सकते हैं लोअर प्राइमरी के लिए क्या रहेगा और अपर प्राइमरी के लिए क्या रहेगा आप यहां से देख सकते हैं ठीक है टोटल जो है 430 थर्टी मार्क्स ही है जिसमें कि आपको अचीव करना है और मार्क्स किसके लिए क्या मिलेगा ये यहां पर लिखा हुआ है 21 नंबर देखिए यहां पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड इन कलर पॉइंट नंबर वन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पॉइंट नंबर टू एच एस एस एल सी मार्क्सिट एंड सर्टिफिकेट या नीचे जो कुछ भी दिया हुआ है ये आपको भेजना है ठीक है बाकी हर पॉइंट्स को हर लाइन को अच्छी तरह से रीड कर लेना समझ लेना उसके बाद ही फॉर्म भरना ठीक है तो इसमें जो मेन मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस किया एज क्या है क्वालिफिकेशन क्या है लास्ट डेट क्या है भरना कैसे है ये सारा सब कुछ हो गया अब क्या करना है आपको भरना है ठीक है छब्बीस तारीख यानी छब्बीस सेप्टेम्बर से तक आपको यहाँ मिल जाना चाहिए तो उसके पहले इसको आप कंप्लीट कर लीजिए यदि आप एलिजिबल हो तो ये था कि इन्फॉर्मेशन जो कि आसाम में निकले हुए वैकेंसी के बारे में था बाकी इस तरह के और भी लगातार अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको लगातार यहाँ से मिलता रहे कुछ कहना चाहते पूछना चाहते बताना चाहते हैं तो आप में कमेंट्स कीजिए और वीडियो आपको अच्छा लगता है समझ में आता है तो इसको लाइक ज़रूर करिए और इसको शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड के बीच में ठीक है मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में जहाँ पर इस तरह की और भी बातें करेंगे तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने सुनने समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद Okay, thank you. Bye-bye.